हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा इन सिविल डिपार्टमेंट। और सब्जेक्ट इज रिपेयर एंड रिहेबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक एडवांटेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ इपॉक्सीज सरफेस कोटिंग, इन विच वी डिस्कस्ड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इपॉक्सीज प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इपॉक्सीज and field of application, surface coating and essential parameters for coating, factor considered on applications of coating, types of coating, epoxy coating, acrylic coating and surface hardness and overlays and sealing materials. Today we will discuss on the topic types of construction, sealants, bonding materials. Subject repair and rehabilitation of structures. Students, let's start. Types of construction, sealant. Silicon sealant, epoxy, hybrid, polyurethane sealants. Polyurethane sealants, elastic sealant, varnish, acrylic latex sealants, bituminous sealants, synthetic rubber sealants, thermoplastic sealants, butyl sealant, hot wax proof sealant and polysulfide sealants. तो स्टूडेंट्स, ये क्या हैं टाइप्स ऑफ सीलेंट। इनकी एडवांटेज की हमें यदि बात करें तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं इनके। इम्प्रूव प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो भी है, ये क्या करते हैं, ड्यूरेबिलिटी और रिएबिलिटी को क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे अप्लाई करते हैं इनको, उसकी क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इनक्रीज करते हैं। इनक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो भी इनक्रीज हो जाती है। ठीक है, एनहेंसेज प्रोडक्ट एस्थेटिक्स। जो यहाँ पे एस्थेटिक्स का मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सौंदर्य। ठीक है ना, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, पहले जो क्रेक आते हैं उसमें क्रेक आ रहे हैं ऐसे, फिर हमने सीलेंट यूज किया तो जो क्रेक वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सौंदर्य है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो अच्छा लगता है या फिर कह सकते हैं हम जो प्रोडक्ट है उससे सुंदरता आ जाती है। इनकी वेदरिंग करेक्टरिस्टिक्स, जो वेदरिंग करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम बात कर सकते हैं जैसे बरसात होती है, ठीक है, रेन है एंड सनलाइट है, विंड है, तो ये जो वेदरिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाती है। किससे, जो सीलेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये इपॉक्सी सीलेंट आपको दिख रहा है, इलास्टिक सीलेंट एंड बिटुमिनस सीलेंट, कैसे अप्लाई करते हैं इनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो डायग्राम में दिख रहा है, ये जो इपॉक्सी सीलेंट है ये अपन जनरली ये देख लेते हैं, जैसे अपन प्लास्टिक के बैनर यूज करते हैं तो वहाँ पे, और ये आप यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो वायर है, ठीक है ना, रॉप है, उसका करते हैं स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे सील करने के काम आता है। सिलिकॉन सीलेंट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ब्यूटिल सीलेंट भी यहाँ पे आप दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई माय डियर स्टूडेंट्स सीलेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग मटेरियल्स की। तो बॉन्डिंग मटेरियल्स को हम समझे तो बॉन्डिंग मटेरियल्स होते हैं बंधक पदार्थ। जो बॉन्डिंग मटेरियल होते हैं, बंधक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो हमको पता है बॉन्डिंग मटेरियल जो होता है वो जो स्ट्रक्चर है उसको बॉन्डिंग मतलब बंद बनाने के काम में लिया जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो बॉन्डिंग मटेरियल्स आर नेचुरल, सिंथेटिक और कंपाउंडेड मटेरियल्स। जो बॉन्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और कंपाउंडेड मटेरियल। यूज्ड टू जॉइन
टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स विदाउट मैकेनिकल फास्टनर्स। तो बिना मैकेनिकल फास्टनर्स के दो मटेरियल्स, दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को ज्वाइन करने के या जोड़ने के काम आते हैं बॉन्डिंग मटेरियल। दीज मटेरियल आर ऑफन यूज इन वेरियस रिपेयर एप्लीकेशन। ये जो मटेरियल है इनको कई रिपेयर एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं बॉन्डिंग ऑफ न्यू कंक्रीट टू ओल्ड कंक्रीट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जैसे पुरानी कंक्रीट का अपन ने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ठीक है ना, उसमें हमको जो न्यू कंक्रीट है वो अप्लाई करनी है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड हमको बनाने हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग मटेरियल्स का, ठीक है। तो द बॉन्डिंग बिटवीन न्यू कंक्रीट एंड ऑल्ड कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, अब जो बॉन्डिंग होती है ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट में, ये डिपेंड किस पे करती है, तो स्टूडेंट्स डिपेंड करती है द क्लीननेस ऑफ ओल्ड सरफेस। जो ओल्ड सरफेस है उसकी क्लीननेस, मतलब वो सही से उसको सफाई उसकी की है या नहीं है, नहीं की है। देखो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ पे काम चल रहा होता है कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो जहाँ पे काम आज छूटता है वहीं से कल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस पे धूल मिट्टी वैसे जम जाती है, तो उसको क्या करते हैं, पहले या तो पानी डाल के सफाई करते हैं, ठीक है, या फिर उसमें हम ऐसे मार्क बना देते हैं जिससे क्या होता है बॉन्डिंग इनकी प्रॉपर वे में हो जाती है। ये तो हो गई लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट की बात। अब ओल्ड कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें तो ओल्ड कंस्ट्रक्शन साइट में हमको, मतलब हमारी बिल्डिंग पहले से हमने तैयार कर ली, अब हमको उसी को आगे करना है, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, बॉन्डिंग मटेरियल का, ठीक है। तो उसकी सफाई ज़रूरी है, तो जिससे क्या हो जाए, बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाए। द स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी ऑफ द ओल्ड सरफेस, तो ओल्ड सरफेस है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और इंटेग्रिटी क्या है, ठीक है। तो ये जो हैं इन पे क्या करती है, जो बॉन्डिंग जो मटेरियल है ये इन पे डिपेंड करते हैं, जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एजेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज। अब बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से हम एजेंट्स हैं उनका यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स बॉन्डिंग के लिए हम ये जो एजेंट्स हैं इनका यूज करते हैं। तो पहला एजेंट तो हमारा सीमेंट हो गया, ये तो है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा दूसरा जो है इपोक्सीज, ठीक है, इपोक्सीज हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे वाटर प्रूफिंग मटेरियल की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, उसका मतलब क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर में वाटर प्रूफिंग मटेरियल अप्लाई किया, तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रक्चर है हमारे उसमें क्या पानी का जो लीकेज है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें यूज क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल आर अप्लाइड ऑन कॉन्क्रीट सरफेस टू फॉर्म इम्परवियस कोटिंग दैट प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ वाटर इन टू द कॉन्क्रीट। वही है कि इस तरीके से अप्लाई करते हैं इसको, एक इम्परवियस कोटिंग, तो वो क्या रोकती है, जो पानी है उसको अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। और वाटर प्रूफिंग जो मटेरियल है वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, कॉन्क्रीट सरफेस पे, किस फॉर्म में, इम्परवियस कोटिंग की फॉर्म में। और इसका काम क्या होता है, जो पानी है उसको अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। वेरियस वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स मार्केटेड आर, तो मार्केट में जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल अवेलेबल है उनमें से कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए बेडिंग लेयर ऑफ मोर्टार 1:3, मतलब एक तो सीमेंट का और 3 सैंड का, ऑफ थिकनेस नॉट लेस देन 5 mm में भी अप्लाइड। तो ये जो अप्लाई करते हैं हम, ये मोर्टार बनाते हैं, मोर्टार आपने ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में लास्ट सेमेस्टर में इसको डिटेल में पढ़ लिया होगा कि मोर्टार क्या होता है, कंक्रीट क्या होती है, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो है 1:3 का ये हम रखते हैं, ठीक है। और जो लेयर इसकी उसकी थिकनेस 5 mm से कम होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा जो मार्केट में अवेलेबल है पॉलीमर रेजिन बेस्ड कोटिंग। तो पॉलीमर रेजिन बेस्ड कोटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, जो सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग्स आर अवेलेबल एज सिंगल और टू कंपोनेंट कोटिंग। सॉल्वेंट है ये कोटिंग के जो किस पे बेस्ड होते हैं, सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग्स आर, जो सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग्स है अवेलेबल होते हैं सिंगल और टू कंपोनेंट कोटिंग, सिंगल में और टू कंपोनेंट कोटिंग्स में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। द कोटिंग्स ऑन ड्राइंग प्रोड्यूस ए स्मूथ डेंस कंटिन्यूस फिल्म दैट प्रोवाइड ए बैरियर टू मॉइस्चर एंड माइल्ड केमिकल अटैक। ये जो होता है कंक्रीट है वो ड्राइंग प्रोड्यूस है, और जो स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रोवाइड करवाती है, जो फिल्म है वो कैसी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, स्मूथ होती है,
डेंस होती है, ठीक है, और कंटिन्यूस होती है। क्या प्रोवाइड करवाती है? ए बैरियर, एक मतलब जो मॉइस्चर हैं, जो माइल्ड केमिकल अटैक है, इनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी इफेक्ट होता है इसको, ये जो फिल्म है पॉलीमर रिजिन बेस्ड कोटिंग की है, उसको क्या कर लेती है स्टूडेंट्स, बैरियर मतलब रोक लेती है। दीज आर प्रिफर्ड फॉर लोकेशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। इनको कहाँ पे प्रीफर करते हैं स्टूडेंट्स? इनको प्रीफर करते हैं जहाँ पे क्या होती है हाई ह्यूमिडिटी, मतलब जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होती है, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनको क्या करते हैं हम प्रीफर करते हैं, वहाँ पे इनको यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल एडमिक्सचर की स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें हम, देखो केमिकल एडमिक्सचर क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और फ्लूड्स दैट आर एडेड टू द कॉन्क्रीट टू गिव इट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ऑब्टेनेबल विथ प्लेन कॉन्क्रीट मिक्सेज। इन नॉर्मल यूज एडमिक्सचर डोसेज आर लेस देन 50% बाई मास ऑफ सीमेंट। तो देखो ये जो मटेरियल है ये पाउडर फॉर्म में भी हमको मार्केट में मिल जाते हैं, और जैसे लिक्विड फॉर्म में भी, जैसे फ्लूड होता है तो फ्लूड लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में भी ये मिल जाता है और पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है। इनको हम किस में ऐड करते हैं? इनको हम कॉन्क्रीट में ऐड करते हैं। तो कॉन्क्रीट में ऐड करने के बाद क्या होता है, ये सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स नॉट ऑब्टेनेबल विद प्लेन कॉन्क्रीट मिक्सेज, ठीक है। इन नॉर्मल यूज एडमिक्सचर डोसेज आर लेस देन 5% बाई मास ऑफ सीमेंट। तो नॉर्मली यूजेज में यदि एडमिक्सचर का हम यूज भी कर रहे हैं तो उसकी डोज है वो कितनी होनी चाहिए, जो हमारा पूरा मास ऑफ सीमेंट है उसका 5% से कम, ठीक है। मतलब मानो हम जैसे 100 kg सीमेंट हम यूज करते हैं तो एडमिक्सचर कितना यूज करेंगे, 5 kg या 5 kg, ठीक है ना, तो या उससे कम यूज करेंगे। अब वेरियस केमिकल एडमिक्सचर का यहाँ पे कुछ ये केमिकल एडमिक्सचर आपको दे रखे हैं। तो एसलरेटर्स, एसलरेटर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं हम। जैसे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, अभिक्रिया के वेग को कौन बढ़ाता है और ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमको, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमको मान लो जो रनिंग वाटर में हमको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, या फिर ऐसे एरिया में कंस्ट्रक्ट करना है कि वहाँ पे जो सेटिंग है वो जल्दी होनी हो जानी चाहिए, तो इसके लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं, मतलब जो शीघ्रता से सीमेंट जमता है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो शीघ्र, जैसे स्पीडली कह सकते हैं, क्विकली कह सकते हैं, क्विकली सेट हो जाए सीमेंट, ऐसा क्या जो भी एडमिक्सचर मिलाते हैं जिससे सीमेंट है जो हमारा हमने यूज किया है, जो मोटा यूज किया है, वो क्विकली तेज़ी से वो सेट हो जाए, तो उसमें जो एडमिक्सचर यूज करेंगे उसको तो कहेंगे हम एसलरेटर। एसलरेटर का मतलब क्या होता है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है रिटार्डर। तो स्टूडेंट्स रिटार्डर का मतलब क्या होता है, रिटार्डर का मतलब होता है मंदक, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, तो देखो अपन को रोड का कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ठीक है, और ये तो है नहीं कि हर किलोमीटर पे हम कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे रोड बनाने के लिए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक प्लांट होता है जहाँ पे कंक्रीट का हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहाँ पे कंक्रीट है उसका क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो वो प्लांट होते हैं। फिर उसके अलावा जब ट्रांसपोर्टेशन के जो भी मोड है उनसे हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ले जाके प्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि जो सीमेंट होता है नॉर्मली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनली सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है, और हमको जैसे हमारे जो प्लांट है जहाँ पे हम कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से वहाँ तक ले जाने में हमको 1 घंटा कम से कम लगेगा या 45 मिनट लगेंगे। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में ये करेंगे कि जो कंक्रीट हमने प्रिपेयर किया है, जो रेडी किया है, उसमें हम क्या मिलाएंगे, रिटार्डर मिलाएंगे, जिससे जो अभी वो उसका जो सेटिंग, जो उसकी रेट होगी सेट होने की, वो क्या हो जाएगी, वो धीमी हो जाएगी। तो धीमी हो जाएगी तो हम उसको वहाँ पे आसानी से ले जाके उसको प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा टनल जहाँ पे बनाते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसलरेटर एंड रिटार्डर, ठीक है। प्लास्टिसाइजर भी एडमिक्सचर ही है और सुपर प्लास्टिसाइजर भी एडमिक्सचर है, केमिकल एडमिक्सचर की कैटेगरी में इनको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसलरेटिंग एडमिक्सचर की। देखो अभी मैं इसी पे चर्चा पढ़ने की थी, वापस और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एसलरेटिंग एडमिक्सचर, एन एसलरेटिंग एडमिक्सचर इज़ यूज टू एसलेट द रेट ऑफ हाइड्रेशन।
अभी मैंने आपको बताया था, अभी ये यहाँ पे शब्द आया हाइड्रेशन। तो देखो हाइड्रेशन होता क्या है, ये इसको हिंदी में हम समझे तो ये होती है जलयोजन की क्रिया, वही सेटिंग, ठीक है ना। तो इसको क्या करता है, बढ़ा देता है, एक्सेलरेटर जो होते हैं, एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्क्रीट एट एन अर्ली एज। और जो शीघ्रता से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। एडवांटेज क्या है, अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, जहाँ पे हमको फॉर्म वर्क जो हम लगाते हैं, फॉर्म वर्क का मतलब भी आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, एक बार फिर बता देता हूँ, जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म वर्क। तो जल्दी हटाना है हमको कहीं से फॉर्म वर्क, तो उस स्थिति में हम एक्सेलरेटर का यूज करेंगे। रिड्यूसिंग क्यूरिंग पीरियड रिक्वायरमेंट, क्यूरिंग पीरियड है उसको हमको कम करना है, तो उस स्थिति में हम एक्सेलरेटर का ये यूज करेंगे। एडवांस द टाइम दैट स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस्ड इन द सर्विस, ठीक है ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एडवांस द टाइम दैट स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस्ड इन द सर्विस इन द इमरजेंसी रिपेयर वर्क, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। अब देखो एसलेटर होते क्या हैं, कैल्शियम क्लोराइड इज़ द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज इन एसलेटिंग एडमिक्चर, स्पेशली फॉर नॉन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एज एन एसलेटिंग एडमिक्चर्स हैज प्रोवाइडेड मच डाटा एंड एक्सपीरियंस ऑन द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। बिसाइड्स एसलेटिंग स्ट्रेंथ गेन, कैल्शियम क्लोराइड कॉज एन इंक्रीज इन ड्राइंग श्रिंकेज, पोटेंशियल रेनफोर्समेंट कोरोजन, डिसकलरेशन, ए डार्कनिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल फॉर स्केलिंग। देखो स्टूडेंट्स, जो इसके लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एसलेटर यूज करते हैं, तो जो मेनली आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है वो है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं आजकल ज़्यादा, तो स्पेशली किसके लिए, नॉन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट के लिए, ठीक है। और ये जो है कैल्शियम क्लोराइड एज एन एसलेटिंग एडमिक्सचर, एसलेटिंग एडमिक्सचर है जो प्रोवाइड किया करता है मच डाटा एंड एक्सपीरियंस ऑन द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट। बिसाइड एसलेटिंग स्ट्रेंथ गेन, कैल्शियम क्लोराइड कॉज एन इंक्रीज इन ड्राइंग श्रिंकेज। अब इसको हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन इंक्रीज क्या होता है, जो ड्राइंग श्रिंकेज है, सूखने पर जो सिकुड़न होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। पोटेंशियल रेनफोर्समेंट करोजन, डिस्कलरेशन एंड एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल फॉर स्केलिंग, तो ये इसके डिफेक्ट, इनको हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ड्राइंग श्रिंकेज है, पोटेंशियल रेनफोर्समेंट कोरोजन है, डिस्कलरेशन है एंड एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल फॉर स्केलिंग, इसीलिए हम इनको 5% से कम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिटार्डिंग एडमिक्सचर, तो रिटार्डिंग एडमिक्सचर की बात करें तो रिटार्डिंग एडमिक्सचर आर यूज टू डिले द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट। हाई टेम्परेचर ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 86 फारेनहाइट आर ऑफन द कॉज ऑफ एन इंक्रीज रेट ऑफ हार्डनिंग दैट मेक प्लेसिंग एंड फिनिशिंग डिफिकल्ट। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ काउंटरेक्टिंग दिस इफेक्ट इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्क्रीट बाय कूलिंग द मिक्सिंग वाटर एंड और द एग्रीगेट। रिटार्डर डू नॉट डिक्रीज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉन्क्रीट, द ब्लीडिंग रेट एंड ब्लीडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इंक्रीज्ड विथ रिटार्डर्स। रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स आर यूजफुल इन एक्सटेंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट बट दे आर ऑफन ऑल्सो यूज इन अटेम्प्ट्स टू डिक्रीज स्लम्प लॉस एंड एक्सटेंड वर्केबिलिटी, स्पेशली प्रायर टू प्लेसमेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। सम ऑफ द मटेरियल्स यूज एज रिटार्डर आर जिप्सम, लिग्निन, बोराक्स, शुगर, टार्टरिक एसिड एंड साल्ट। तो ये जो मटेरियल है इनको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, रिटार्डर की फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं। तो देखो ये क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो रिटार्डिंग एडमिक्सचर होते हैं क्या करते हैं, जो रेट ऑफ सेटिंग है इसको डिले करते हैं, ठीक है ना, मतलब लेट करते हैं। हाई टेम्परेचर ये होता है फ्रेश कॉन्क्रीट का, तो मेक प्लेसिंग फिनिशिंग डिफिकल्ट, तो हाई उस स्थिति में क्या होता है कि जो कॉन्क्रीट हम उसको रखते हैं उसको फिनिश करना और प्लेस करना क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ काउंटरेक्टिंग दिस इफेक्ट इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्क्रीट बाय कूलिंग और मिक्सिंग वाटर एंड और द एग्रीगेट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंटरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटार्डर होते हैं क्या करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉन्क्रीट को कम नहीं करते,
द ब्लीडिंग रेट एंड ब्लीडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इंक्रीज्ड। जो कॉन्क्रीट की ब्लीडिंग रेट होती है और ब्लीडिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है विद रिटार्डर, रिटार्डर के साथ। और ये यूजफुल एक्सटेंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट मेनली इनको सॉरी कॉन्क्रीट है उसका सेटिंग टाइम एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं, बट दे आर ऑफन ऑल्सो यूज इन अटेम्प्ट ऑफ डिक्रीज स्लम्प लॉस। और इसी के साथ इसको जो स्लम्प होता है, अवपात जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, उसको डिक्रीज करने के लिए भी ये इसको हम यूज करते हैं। और इसके लिए जैसे मार्केट में अवेलेबल है जिप्सम, लिग्निन, बोराक्स, शुगर, टार्ट्रिक एसिड एंड साल्ट्स। अब हम वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर प्लास्टिसाइजर की बात करें, तो प्लास्टिसाइजर्स और वाटर रिड्यूसिंग रिड्यूसर्स आर केमिकल एडमिक्सचर दैट कैन बी एडेड टू कॉन्क्रीट मिक्सचर टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी। तो किस लिए यूज करते हैं, कंक्रीट की वर्केबिलिटी सुकार्यता को इम्प्रूव करने के लिए हम इनका वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स या प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स आर यूज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर रिक्वायर टू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट ऑफ ए सर्टेन स्लम्प। ठीक है, वही वर्केबिलिटी में आ गया, स्लम्प, स्लम्प टेस्ट वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए करते हैं। एडवांटेज की यहाँ पे बात करें तो इनक्रीज वर्केबिलिटी सिग्निफिकेंटली, रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो, रिड्यूस सीमेंट कंटेंट, इनक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, इंक्रीज स्लम्प सिग्निफिकेंटली एडिंग ए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर टू कॉन्क्रीट विदाउट रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट कैन प्रोड्यूस ए मिक्सचर विथ ए हायर स्लम्प। नेक्स्ट एडवांटेज, रिड्यूस वाटर कंटेंट, टिपिकल वाटर रिड्यूसर्स रिड्यूस द वाटर कंटेंट बाई अप्रोक्सीमेटली 5% to 10%। कितना रिड्यूस कर सकता है ये जो एडमिक्सचर का यूज करने के बाद, हम कितना वाटर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से 10%। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आगे देखते हैं। हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जो वो सुपर प्लास्टिसाइजर है वो, उनको क्या कह सकते हैं हम, हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। तो हाई रेंज वाटर रिड्यूसर कैन बी यूज्ड टू इम्पार्ट प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड बाय रेगुलर वाटर रिड्यूसर्स ओनली मच मोर इफिशियंटली। दे कैन ग्रेटली रिड्यूस वाटर डिमांड एंड सीमेंट कंटेंट्स एंड मेक लो वाटर सीमेंट रेशियो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट विद नॉर्मल और एनहेंस्ड वर्केबिलिटी। ए वाटर रिडक्शन ऑफ 12 to 30% कैन बी ऑब्टेन थ्रू द यूज ऑफ दीज एडमिक्सचर। तो देखो ये जो सुपर प्लास्टिसाइजर है इनको यदि हम यूज करते हैं तो कितने, मतलब कितना पानी हम कम कर सकते हैं मिक्स में, 12 to 30%, और उससे 5 to 10%। ठीक है, द रिड्यूस्ड वाटर कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो कैन प्रोड्यूस कॉन्क्रीट विथ अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन एक्सेस ऑफ 70 MPa मेगा पास्कल, इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ गेन, रिड्यूस क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन एंड अदर बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो कॉन्क्रीट। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट एडवांटेज की, तो हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स आर जनरली मोर इफेक्टिव देन रेगुलर वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर इन प्रोड्यूसिंग वर्केबल कॉन्क्रीट। ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग कैन रिजल्ट विथ लार्ज रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लास्टिसाइजर इज इंक्रीज विथ एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सीमेंट एंड फाइंस इन द कॉन्क्रीट। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।